नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये टॉप 100 करंट अफेयर के क्वेश्चन है। ये यूपी पीसीएस 2020 की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज चालू हो गई है और उसमें आज 28 फरवरी को पेड ग्रुप का टेस्ट है ये, ठीक है। उसका पूरा का पूरा वीडियो एक्सप्लेनेशन हम देने जा रहे हैं यहाँ पे। मैंने पहले भी बताया आपसे, वीडियो हमेशा से फ्री थे, फ्री हैं, फ्री रहेंगे आगे भी। तो जो लोग भी हमारे साथ पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं वो लोग यहाँ से तैयारी कर सकते हैं देख के। जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, यूपी पीसीएस 2020 की टेस्ट सीरीज़ भी चालू हो गई है और पूरा फुल पेड ग्रुप भी चालू होने जा रहा है। 5 मार्च 2020 से ये क्रैश कोर्स चालू हो रहा है। टेस्ट सीरीज़ भी चालू हो गई, विद करंट अफेयर भी, विदाउट करंट अफेयर भी। ये दोनों नंबर है, आप जो है इन दोनों नंबर पे 8564880530 9696066089 पे कॉल करके जो है यहाँ पे जानकारी ले सकते हैं। 7838692618 पे सिर्फ व्हाट्सएप होगा, ये मेरा नंबर है। चलिए इसमें सबसे पहले आपके सामने देखिए, बाइलिंगुअल है ये क्विज। इसमें क्वेश्चन है, इसमें कुछ क्वेश्चन आपको लगेगा कि थोड़े सिंपल से हैं, लेकिन इतना सिंपल नहीं है। ये क्वेश्चन मैंने बनाए हैं तो मतलब थोड़ा बहुत जो है इसमें घुमावट जरूर होगी। 100 क्वेश्चन है इसमें टोटल आपके सामने, 100 में से कितने आपके सही हुए ये बताना है आपको। लास्ट में स्कोर जरूर बताइएगा और सही सही ईमानदारी से बताइएगा। कुछ लोग जो है स्कोर अपना 90, 92, 95, अगर ऐसा स्कोर बताते हो, अगर सही बात आ रहा है, आप अपने दिल से पूछ के देखिए, अगर सही बात इतना आ रहा है मतलब बहुत ही शानदार तैयारी चल रही है। और अगर सिर्फ यहाँ पे झूठ फेंकने के लिए बता रहे हैं तो फिर कोई बात ही नहीं है, ठीक है। जितने भी आपके स्कोर हैं, 10 अगर सही हो रहे हैं तो 10, 20 सही हो रहे हैं तो 20 लिखिएगा जरूर। पहला क्वेश्चन है, सबसे नॉर्थ में इंडिया का स्टेट कौन सा है, आप बताइए, बताइए इसमें कौन सा होगा। ज़्यादातर लोगों का ये गलत हो सकता है, जहाँ तक मेरी उम्मीद कहती है। फर्स्ट वाले का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अब भारत का सबसे उत्तरी राज्य पूछा है यहाँ पे, ठीक है, शब्दों पे जरूर ध्यान दीजिएगा। भारत का सबसे उत्तरी राज्य है हिमाचल प्रदेश। अभी मैं आपको मैप दिखाता हूँ, रुकिए, ये दिख रहा है आपको मैप। अब इसमें देखिए, ये दोनों जो हैं ये यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर कर दी गई है। लद्दाख, लद्दाख एरिया वाइज सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी हो गई, ध्यान रखिएगा आप। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, एरिया वाइज अब सबसे बड़ा स्टेट और सबसे बड़ी यूनियन टेरिटरी का नाम बताइए, और सबसे स्मॉलेस्ट जो है एरिया वाइज स्टेट और यूनियन टेरिटरी का नाम बताइए, पॉपुलेशन वाइज भी सेम टू सेम चीज़ें बताइए, जल्दी बताइए। अब जो है चीज़ें बदल चुकी हैं। अब अगर आप नॉर्थ में सबसे देखेंगे तो देखिए, ये हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश सबसे नॉर्थ तक जा रहा है। तो नॉर्थ स्टेट पूछा था इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, अब नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट है हिमाचल प्रदेश, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है। ये क्वेश्चन प्योरली सारे मैंने बनाए, कहीं से भी कॉपीड नहीं है, सारे फ्रेश क्वेश्चन है। ये टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कहीं भी फॉलोअर हैं, ठीक है। ये वाला ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, यहीं पे सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे, यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 2019 के लिए ऑक्सफोर्ड का हिंदी वर्ड, हिंदी शब्द किसको चुना गया है। इसका करेक्ट आंसर होगा कॉन्स्टिट्यूशन, सी ए आंसर है इसका, सेकेंड का। थर्ड क्वेश्चन में बताना है आपको, ये जो है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में क्या क्या इंक्लूड होता है ये बताना है आपको। कई सारी जो चीज़ें हैं, 8 चीज़ें लिखी हुई हैं इसमें, आपको बताना है इनमें से औद्योगिक गलियारों में के घटकों में से निम्नलिखित में से कौन कौन से शामिल है। अब देखिए, इसमें जो मैं क्वेश्चन कुछ कुछ बनाता हूँ बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से बनाता हूँ, अगर आप हमारे क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन पूरा पढ़ लें तो बहुत सारे टॉपिक तो आपके ऐसे ही क्लियर हो जाएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से हैं ये, ठीक है। थर्ड वाले का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। ये जो है आठों के आठों जो है आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी भारत सरकार ने, अभी आपने देखा होगा न्यूज़ में, 5 औद्योगिक गलियारा परियोजनाओं के विकास को मंजूरी दी है, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट, यानी कि NICDIT, ठीक है। अब इसमें 5 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जाएंगे, ठीक है। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में होगा, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में होगा। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, ठीक है। 5 औद्योगिक गलियारे कौन कौन से हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, कौन कौन से हैं आपके। पहला हो गया DMIC, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा, इसमें UP है, हरियाणा है, राजस्थान, MP, गुजरात है, महाराष्ट्र है। दूसरा कौन सा है, अमृतसर कोलकाता, इसमें चाहे आप तो इसका डिस्क्रिप्शन ही देख लीजिए। ये देखिए, ये डिस्क्रिप्शन भी इसका वैसे ही लिखा हुआ है हिंदी इंग्लिश में, ठीक है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे 5 हैं, ये कौन कौन से, ये 5 हैं लिस्ट पूरी, और अमृतसर कोलकाता है आपका, और इसमें जो है चेन्नई बेंगलुरु है, और पूर्वी तट है बेंगलुरु मुंबई है। 5ों के स्टेट के नाम जरूर याद रखिएगा। UP किस में है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में, ठीक है।
अमृतसर कोलकाता में भी यूपी है, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो दो में है इनमें से यूपी, तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में क्या क्या आता है, वो सारी चीज़ें जो मैंने पूछी थी आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें फोर्थ वाले का, इसमें दो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, दोनों का आपको सही गलत कथन बताना है, सॉरी फोर्थ का आपको गलत बताना है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ का बी। ठीक है, पहला वाला स्टेटमेंट जो है आपका यहाँ पे सही है, अभी मैंने अभी जस्ट बताया था ऊपर कि गवर्नमेंट ने 5 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को यहाँ पे मंजूरी दी है, जिसको NICDIT के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट ने डिफेंस कॉरिडोर उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में, तो ये गलत है, क्योंकि डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कहाँ कहाँ आ रहा है, सिर्फ पूरे इंडिया में, यूपी में आ रहा है, और सेकंड स्टेट कौन सा है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र नहीं है। इसीलिए हमेशा जो है वैसा नहीं होता है जैसा आप सोचते हैं कि आपने सोचा कि यहाँ चूज़ इन करेक्ट है तो नन होगा, ऐसा नहीं है, इसीलिए मैं बीच बीच में चीज़ें घुमाता रहता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन है ये, IRRPL जो कि अमेठी में लोकेटेड है, ये 670,000 ये क्लाशिकोव ये यहाँ पे असॉल्ट राइफल इंडियन मिलिट्री के लिए उत्पादन करेगा। ठीक है, ये भारत और किस देश के तहत ये जो है आपका ज्वाइंट वेंचर हुआ है, ये पूछा है यहाँ पे। फिफ्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा रशिया, तो रशिया और इंडिया मिल के बनाएंगे क्लाशिकोव AK-203 असॉल्ट राइफल, 6,70,000 बनाएंगे, और इसका कहाँ पे किया जाएगा, अमेठी में IRRPL में इसका यहाँ पे पूरी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। सिक्स क्वेश्चन बताइए, शांतिलाल शाह कमेटी किससे रिलेटेड है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एबॉर्शन से रिलेटेड है, डी है इसका। सेवन्थ क्वेश्चन में आपको गलत बताना है और इसका इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे चूज इनकरेक्ट करना है, आंसर तो करेक्ट बता रहा है ना, अब इसका बताइए करेक्ट क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। यहाँ पे फिर वही है, दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, दोनों ये दो इन्फॉर्मेशन है करंट अफेयर की। इंडिया चौथा नेशन बन गया है US, रशिया, चाइना के बाद, जिसने कि ASAT मिसाइल का जो है परीक्षण किया है, बिल्कुल सही है ये। टाइगर सेंसस जो हुआ था 2018 में, उसमें अगर आप देखेंगे तो 30% से ज़्यादा जो टाइगर के नंबर में वृद्धि की गई देखी गई है, 2967 जो है टाइगर यहाँ पे किए गए हैं। अच्छा ये बताइए, इंडिया में टाइगर सिटी किसको बोलते हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए, टाइगर स्टेट किसको बोलते हैं, ये भी कमेंट करके बताइए, इस समय सबसे ज़्यादा टाइगर किस स्टेट में है इस लेटेस्ट डेटा के हिसाब से, और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा टाइगर किस स्टेट में है, ये भी बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट वाला, दो स्टेटमेंट हैं, दोनों में से आपको इनमें से करेक्ट, सॉरी तीन स्टेटमेंट में से करेक्ट वाले चुनने हैं, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ए, तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, मतलब ये तीन इन्फॉर्मेशन है। जो आपका मिशन इंद्रधनुष था उसमें 680 डिस्ट्रिक्ट में अभी तक करीबन 3.39 करोड़ बच्चे और 87 लाख प्रेग्नेंट वुमेन को जो है वैक्सीनेट किया गया है। इंडिया का क्रूड ऑयल प्रोडक्शन में, क्रूड स्टील में सेकेंड पोजिशन है प्रोडक्शन में, और इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है फिनिश्ड स्टील का, चाइना और US के बाद, बिल्कुल सही है। इंडिया का शेयर वर्ल्ड कॉमर्शियल सर्विस एक्सपोर्ट में ये 3.5% जो है हो गया है, ज़रूर याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, इकोनॉमी वाला ये डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों। ठीक है, नेक्स्ट इसमें बताना है आपको कितने हेल्थ और वेलनेस सेंटर आयुष्मान भारत के तहत जनवरी 2020 तक खोले गए हैं, ये क्वेश्चन बजट से है ये डायरेक्टली। नाइन्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, 28,005। नेक्स्ट है इसमें ज्यादा, इसमें कुछ बजट और इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन मैंने लिए हैं क्योंकि ये जरूरी है ही करंट अफेयर के। टेंथ वाला बताना है आपको, इसमें से आपको कितने घर बना दिए गए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अभी तक, इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अच्छा मतलब ये बताना है 2014-15 में 12 लाख थे करीबन, इसके मुकाबले 2018-19 में प्रधानमंत्री आवास के योजना के तहत कितने मकान बने, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 47 लाख बन गए हैं, ये ध्यान रखिएगा, ग्रामीण वाले में पूछ रहा है ये। ठीक है, यहाँ ग्रामीण होना चाहिए, यहाँ पे ये मिस हो गया, यहाँ पे तो ग्रामीण वाले कंपोनेंट में है ये ध्यान रखिएगा। चलिए खैर, ये इसका करेक्ट आंसर मैंने आपको बता दिया कि क्या होगा, इसका सी होगा इसका आंसर, टेंथ का सी। इलेवेंथ में बताना है आपको कितने कैंडिडेट जो है ट्रेन किए जाएंगे, ट्रेन किए जा चुके हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत नवंबर 2019 तक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 69.03 लाख। ये कई सारे डेटा बेट मैंने क्वेश्चन इसलिए लिए क्योंकि UPPCS जनरली ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, UPPCS में BO में आ सकते हैं, ये RO में भी आ सकते हैं,
कितनी नई जॉब रूरल और अर्बन एरिया में जो है यहाँ पे क्रिएट की गई 2011-12 से 2017-18 तक। 12th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2.62 करोड़, ये गवर्नमेंट का दावा है, ठीक है। तो ये 2.62 करोड़ है, ये बाकी पॉलिटिक्स में आप लोग पढ़िए, जो कमेंटबाजी करनी है वो करते रहिए। 13 वाले में एजुकेशन और हेल्थ का ये जो परसेंटेज है, अगर आप देखेंगे एक्सपेंडिचर जो है ये कितना हो चुका है जीडीपी एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, ये कितना जो है बढ़ के 2014-15 से बढ़ के ये 2019-20 तक कितना पहुंच चुका है, एजुकेशन और हेल्थ दोनों मिला के पूछ रहा है ये, ठीक है। 13 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 4.7%। अगर आप सिर्फ एजुकेशन की बात करेंगे कि एज कितना जो है इस पर एक्सपेंडिचर होता है परसेंटेज ऑफ जीडीपी का, तो ये हो गया है 2.8% से लेके 3.1%, जबकि बहुत ज़्यादा होना चाहिए, करीबन 8-10% होना चाहिए, ठीक है। और जो हेल्थ का परसेंटेज है वो 1.2% था, 1.2% ऑफ जीडीपी था 2014-15 में, अभी 1.6% हो गया है। ये डेटा ऐसे में यूज़ कर सकते हैं दोनों, ध्यान रखिएगा। 11th क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं यूपीपीसीएस में, इसलिए जानबूझ के लेना पड़ा है, मजबूरी है, क्या करें। 14th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से, इसमें आपसे पूछ रहा है कि 10 साल की रूरल सैनिटेशन जो स्ट्रेटजी यहाँ पे करी गई थी वो कब से कब तक थी, कौन से 10 साल। 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2019 से 29, ठीक है। स्वच्छता संबंधी व्यवहार में बदलाव लाने के लिए तथा ठोस एवं तरल कचरा प्रबंधन की पहुँच बढ़ाने पर जोर देने के उद्देश्य से एक 10 वर्षीय ग्रामीण स्वच्छता रणनीति की शुरुआत करी गई है 2019-29। सॉरी थोड़ी ज़्यादा ही कठिन है, मैं बहुत इजीली लेमन भाषा में समझाता हूँ ये। 15th वाले में आपको तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, तीनों में से आपको करेक्ट वाला बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। 15th का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, तीनों स्टेटमेंट सही है। 2017-18 में अगर आप देखेंगे उसके पहले के जो 6 साल हैं उसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का जो है एनुअल ग्रोथ रेट था करीबन 5%, और अगर इसको आप देखें कि ये मैन्युफैक्चरिंग में कितना जो है इसका ये कॉन्स्टिट्यूट करता है परसेंटेज ऑफ जीवी के हिसाब से, तो ये 8.83 था 2017-18 में, और जो है ये करीबन 2011-12 के प्राइसेस पे अगर आप इसको करें तो बिल्कुल सही है ये। एक्सपेंडिचर सोशल सर्विस, सोशल सर्विस में कौन से हो गए, हेल्थ एजुकेशन और दूसरे, ये सेंटर और स्टेट का एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इंक्रीज हुआ है, पहले ही करते थे कितना 6.2%, 2019-20 में हुआ है 7.7%। अब अगर आप यूरोपियन में देखेंगे, यूरोपियन कंट्रीज़ में सोशल सेक्टर पे करीबन 40% जो है एक्सपेंडिचर होता है, वो लोग अपने ह्यूमन रिसोर्स पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे इतना खर्चा करते हैं ना, तभी तो वो लोग इतने डेवलप्ड हैं। और तीसरा जो स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल सही है, इंडिया की रैंकिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 129 से इम्प्रूव होके, सॉरी 130 से इम्प्रूव होके ये 129 हो गई 2018 में, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट सही है। 16 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताना है आपको, तीन स्टेटमेंट दिए हैं तीनों में से करेक्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं। अगर ये देखेंगे COP 14 जो UNCCD इसको इंडिया ने होस्ट किया था, इसमें दिल्ली डिक्लेरेशन जो है अडॉप्ट किया गया था, उसका यही मतलब है जो आपका UNCCD के तहत जो है आपका, ठीक है, मतलब यहाँ पे कुल मिला के जो है आपका यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, उसके लिए COP 14 हुआ था, कहाँ पे, इंडिया में हुआ था, दिल्ली डिक्लेरेशन इसमें पास किया गया है, ठीक है। और इसमें जो है थीम क्या थी कि भूमि में निवेश और अवसरों को खोलना, ठीक है, यानी इन्वेस्टिंग इन लैंड एंड अनलॉकिंग अपॉर्चुनिटीज़, ये जरूर ध्यान रखिएगा, ये दोनों ही स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों करंट अफेयर है, मतलब इसमें तीन करंट अफेयर मैंने लिए हैं। GVA बेसिक प्राइस पे 2019-20 में एग्रीकल्चर की ये हो चुकी है कितना, ये अगर आप देखेंगे ग्रोथ कितनी हुई है इसकी 2.8%, ये जो है आपके इकोनॉमिक सर्वे ने प्रेडिक्ट किया था। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी एक कंस्टेंट है, और अगर आप देखेंगे मैकेनाइजेशन जो इंडिया में है करीबन 40% है, जबकि चाइना में 60%, ब्राज़ील में 75% है, ये दो यहाँ पे सर्वे के स्टेटमेंट है, दोनों ही सही है 16 का, इसीलिए ए हो जाएगा आंसर, ठीक। 17 में बताना है आपको सही कथन, ये दो स्टेटमेंट दिए हैं इनमें से सही कथन चुनने हैं आपको, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक्सटर्नल डेप्ट जो है जीडीपी का 20.1% है सितंबर 2019 का जो लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से, और उसके बाद अगर आप देखेंगे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ जो हैं इंडिया की 2014-15 के बाद ये इंक्रीज़ हुई हैं, और जून 2019 तक अगर आप देखेंगे
किसकी वजह से ये इंक्रीज हुई है, ये FDI पोर्टफोलियो और एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग तीनों की वजह से ये, ठीक है। ये जो है आपकी मतलब जो देनदारियां हैं वो जून 2019 के अंत के में जो है GDP की तुलना में बढ़ी हैं ये, ठीक है, 2014-15 के हिसाब से। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बजट और इकोनॉमिक सर्वे से लिए मैंने बताया आपको। 18 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूरा सार इसमें जो है बसा हुआ है, ठीक है। इसमें इंडिया के इंपोर्टर एक्सपोर्टर सारी चीज़ें देखिए मैंने एक ही में ला दी हैं। 18 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, सही कथन चुनना है, पांचों स्टेटमेंट सही हैं। इंडिया के पांच टॉप पांच ट्रेडिंग पार्टनर कौन कौन से हैं? नंबर वन पे US है, फिर आपका ये है UAE और नहीं US है, फिर चाइना है, फिर आपका UAE सऊदी अरेबिया और हांगकॉन्ग है, ठीक। एक्सपोर्ट आइटम इंडिया के कौन कौन से हैं? सबसे ज़्यादा है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये नंबर वन पे है, याद रखिएगा इसको, फिर प्रेशियस स्टोन है। सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट कहाँ पे करता है 2019-20 का नवंबर तक का डेटा के हिसाब से? इंडिया ने US में सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है, फिर UAE। सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट क्या किया है? क्रूड पेट्रोलियम, फिर गोल्ड। और इम्पोर्ट सबसे ज़्यादा कहाँ से किया है इंडिया ने? चाइना से। तो ये जो है पूरा सार है, ये आप समझ रहे हैं, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मुझे करीबन जो है 30-40 मिनट लग गए थे सारा डेटा कलेक्ट करने के लिए। सारे जो है इसके ऑप्शन सही हैं और बिल्कुल जो है करेक्ट है, 18 का डी है इसका आंसर। थालीनॉमिक्स एक सर्वे में टर्म आया था, उसमें से दो स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से आपको करेक्ट वाला चूज करना है। और 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसी के साथ ए, दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। ये बताया गया था इसमें कि भैया जो शाकाहारी थाली खाते हैं उनको 11,000 रुपये का लाभ हुआ है, मतलब प्रॉफिट हुआ है हर साल का, और जो आपके नॉन वेजिटेरियन है उनको 12,000 रुपये हुआ है। दोनों स्टेटमेंट सही है, थालीनॉमिक्स में यही बताया गया था। 19 का जो है आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट इसमें ये बजट वाला मेरा एक मैंने बजट प्लस इकोनॉमिक सर्वे का एक समरी पॉइंट जो है 3 घंटे 10 मिनट का बनाया है, वो देख लीजिएगा। एक एक पॉइंट उसमें बजट के और प्लस इकोनॉमिक सर्वे के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें दिए हुए हैं, सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करिए, जरूर देखिएगा। 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, चारों यहाँ पर सही हैं। सर्वे कहता है कि डिस इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है? हायर प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, इफिशेंसी को प्रमोट करने के लिए, कॉम्पिटिटिवनेस को जो है इंक्रीज करने के लिए, और प्रोफेशनलिज्म को प्रमोट करने के लिए। चारों ही यहाँ पे सर्वे चारों यहाँ पे बात करता है, ध्यान रखिएगा, डिसइन्वेस्टमेंट को सर्वे प्रमोट करता है, और डिसइन्वेस्टमेंट वैसे होना भी चाहिए। डिसइन्वेस्टमेंट पे आपकी ज़रूर राय दीजिए कि डिसइन्वेस्टमेंट के क्या क्या प्रोज हैं, क्या क्या कॉन्स हैं, ये दोनों ज़रूर बताइए। अगर आप मेंस की आंसर राइटिंग के लिए कर रहे हैं तो ये वाले पॉइंट जरूर लिखिए। 21, इसमें दो स्टेटमेंट है, तीन स्टेटमेंट है, और इसमें से आपको इनकरेक्ट वाला चुनना है। 21 का करेक्ट इनकरेक्ट हो जाएगा सी, इनकरेक्ट होकर पूछा था, ध्यान रखिएगा, ये इनकरेक्ट है, ये 21 का इनकरेक्ट सी है, ठीक है। तो तीसरा वाला यहाँ पे आपका, यहाँ पे इसमें देखिए 21 में जो है सी वाला गलत है, क्योंकि सर्वे ने 2019 को ऑब्जर्व किया है भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का जो है 50th वर्ष पूरे हुए हैं 2019 को, उसी को बोला है गोल्डन जुबली। बाकी दोनों सही हैं। जो आपका वर्ल्ड बैंक में का जो इंडेक्स होता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, उसमें मेरी पोजीशन बढ़ी है, 63 हो गई है, और टर्न अराउंड टाइम जो है शिप का इंडिया में करीबन आधा हो गया है, पहले कितना था 4.67 और अब हो गया है 2.48। ये मैंने टर्न अराउंड टाइम क्या होता है सब बताया हुआ है, इसलिए आप जो है बजट वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। बजट जो मैंने बनाया हुआ 3 घंटे 10 मिनट वो वाला देखिएगा, बहुत डिटेल बनाया है, वैसे किसी ने नहीं बनाया पूरे यूट्यूब में, सारे वीडियोस मैंने देखे हैं, सब लोग जो है फर्जी पॉइंट बताते हैं थोड़े थोड़े, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं मेन्स और प्री के हिसाब से सब लोग पूरा डिटेल को इतना जो है घुसना नहीं चाहता है, मैंने बहुत घुस घुस के बनाया है उसमें। 22 का करेक्ट आंसर बताना है आपको, गलत स्टेटमेंट चुनने हैं लेकिन ध्यान रखिएगा, तीन स्टेटमेंट हैं, तीनों में से करेक्ट गलत बताने हैं आपको, और इसका 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, कोई भी गलत नहीं है, पहला वाला भी सही है। देखिए अब पहले जो है इंडिया ने एक सब बड़ा इनिशिएटिव लिया था ISA, जिसका मुख्यालय गुरुग्राम में है, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसमें कि अगर आप ये धरती समझें, ये इक्वेटर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के बीच में जितने देश हैं वहाँ पर सूरज की लाइट जो है 300 दिन में से ज़्यादा होती है, एकदम मतलब काफ़ी ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी होती है, इसलिए ये वाले कंट्री को मिला के ISA बनाया जाएगा। उसी तरह से इंडिया ने एक नया जो है अपना चालू किया है CDRI, कोलिशन फॉर डिज़ास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है,
तो ये इंडिया का ये यहाँ पे एक तरह से ये इनिशिएटिव है। इसमें सारे जितने भी हैं ये अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये जैसे कंट्रीज़ हो गए, यूएन हो गए, इस सब के लिए है ये, ठीक है, सबको इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। ऑब्जेक्टिव वही है कि भैया डिज़ास्टर जो रिस्क मैनेजमेंट है उनकी रिकवरी मैकेनिज्म को प्रमोट किया जाए। इंडिया ने इसको लॉन्च किया है 2019 के यूएन क्लाइमेट एक्शन समिट में किया था, ध्यान रखिएगा। ये वाला क्वेश्चन आएगा जरूर, CDRI। अच्छा, इसका मुख्यालय कहाँ होगा? अभी तक मुख्यालय बना ही नहीं है, सेक्रेटरीट बना है सिर्फ दिल्ली में। ठीक, आप बताइए नवीनतम आंकड़ों के हिसाब से LPG कवरेज जो है इंडिया कंट्री का कितना हो चुका है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे ये वाले, ध्यान रखिएगा। 23 का ए है इसमें, 97% हो गया है, बिल्कुल ये जो है डायरेक्टली आ सकते हैं। 2020-21 के बजट के हिसाब से मिल्क प्रोसेसिंग कैपेसिटी किस साल तक डबल हो जाएगी? 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 2025 तक। डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे ये सब। किस साल तक जो है फिश प्रोडक्शन 200 लाख टन से भी ज़्यादा बढ़ाने तक का ये टारगेट है इंडिया के बजट के हिसाब से? इसका आंसर है 2022-23 तक, ठीक, सी है। कितने और बजट बनाए जाएंगे? बजट में मतलब कितने स्मार्ट सिटी और जो है यहाँ पे अनाउंसमेंट किए गए हैं? 26 का है डी, 5 और बनाए जाएंगे। अभी 100 वाले कंप्लीट नहीं हुए हैं, 5 और बनाने के जा रहे हैं, PPP मॉडल के तहत बनाएंगे ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इसमें बजट 2020-21 आया था, इसमें 16.1 एक्शन प्लान किया गया था, बताइए किस सेक्टर के लिए किया था? कई सारे जो है मैंने बहुत यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल बनाने की कोशिश की है, ये वाले क्वेश्चन जो है सिर्फ मेरे हैं और ये कहीं भी नहीं मिलेंगे आपको, इवन जो है बड़ी बड़ी कोचिंग्स में भी। 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, एग्रीकल्चर के लिए 16 एक्शन प्लान बनाया गया था। निर्विक स्कीम किसको प्रमोट करेगी? एक्सपोर्ट को। ये सब हम लोग वैसे बता चुके हैं, बजट वाले में देख लीजिएगा, मैंने सब कुछ बताया है निर्विक स्कीम होती क्या है, वो डिटेल बना चुका हूँ, दोबारा बताने का कोई मतलब नहीं है। 2020-21 के बजट में निर्मला सीतारमण ने किन 5 चीज़ों के लिए जो है ज़रूरी बताया था कि 5 एसेंशियल चीज़ें होती हैं गुड कंट्री के लिए, कि मतलब रोग धोक नहीं होना चाहिए, प्रॉस्पेरिटी होनी चाहिए, अच्छी फसल होनी चाहिए, जीना आसान हो, सुरक्षा हो, इसके लिए जो है किस पॉइंट का यहाँ पर जिक्र किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 का ए, तमिल पोइट तिरुवल्लूर। इनके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा, देखिए बजट में आई चीज़ें तो क्या पता इनको कहीं से भी कनेक्ट करके कुछ पूछ लें, ठीक है, ये पूछते हैं कहीं ना कहीं से। गवर्नमेंट अब बनाने जा रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज एंड कंजर्वेशन, ठीक। अब इसमें जो है आर्कियोलॉजिकल साइट यहाँ पर डेवलप करी जाएंगी आइकॉनिक साइट के रूप में, तो इन कौन कौन से जो है स्टेट में आइकॉनिक साइट आएंगी ये जरूर बता, ये बताना है आपको। 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 5 में आएंगी, ठीक है। कौन कौन सी आएंगी ये सारा बजट में बता चुका हूँ। 2020-21 के हिसाब से एक एवरेज हाउस होल्ड कितने रुपया बचाता है मंथली जो है एक्सपेंडिचर के हिसाब से GST की वजह से, मतलब कितना यहाँ पे जो है उसके मासिक व्यय पर करीबन कितना प्रतिशत बचत करता है ये 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, GST रेट कटिंग की वजह से यहाँ पे अगर आप देखेंगे 4% की बचत हुई है। ये सारी चीज़ें बजट में बताइए, बजट वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा तो ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये देखिए ये एक अलग क्वेश्चन आ गया, फिर ये जो है टॉप क्लास क्वेश्चन है ये। 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे 3 ही स्टेटमेंट लिखे हैं, बजट के हिसाब से इसको करेक्ट बताना है। 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पहला नहीं है, ठीक है। इंडिया 9th लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं है, इंडिया 5th लार्जेस्ट हो गई है वैसे, और PPP वाइज जो है इंडिया 3rd लार्जेस्ट है, ठीक। इंडिया का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है आपका $284 बिलियन हो चुका था 2014-15 के दौरान, ठीक, और ये $190 बिलियन था 2009-14 के दौरान। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेट है यानी कि जो कर्ज है वो आपका मार्च 2019 होना चाहिए यहाँ पे, ये यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, 2019 में जो है 2014 के कंपैरिजन में घट के ये हो गया है कितना, 52.2% से लेके 48.7% हो गया है, ठीक है। तो ये वाला जो है मार्च 2019 में कितना हो गया, 48.7%, तो ये माफ़ करिएगा मैं इधर उधर निकल गया गुस्से में, ठीक है, गुस्से में नहीं निकला खैर। 33 का बताइए, 2020-21 में जो है बजट किस किस थीम के बेस था? इसका करेक्ट आंसर होएगा 33 का बी, 1, 2, 3, 4, 4 थीम थी, चारों थी एस्पिरेशनल इंडिया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, केयरिंग सोसाइटी, ग्रीन सोसाइटी, ग्रीन इंडिया, ठीक। ये सब डिटेल में बजट में बताया, देख लीजिएगा, कोई समस्या वाली बात नहीं। 34 का बताइए करेक्ट आंसर, बजट के हिसाब से गवर्नमेंट कितने जो है कॉम्प्रिहेंसिव मेज़र यहाँ पे कितने डिस्ट्रिक्ट के लिए
कौन से ऐसे वाटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट हैं जो है, स्टेट डिस्ट्रिक्ट हो गए, मतलब कि वहाँ पे पानी की समस्या है, उस ऐसे कितने जिलों के लिए जो है व्यापक उपाय करने की बात करी है। 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 20। 100 ऐसे जो है जिलों को चिन्हित किया गया है। धनलक्ष्मी ये मेंशन था जो बजट में, इस ये किसके लिए रिफर करता है। 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, वुमेन के लिए है ये। ठीक है, थोड़े आंसर क्लोज बनाने की कोशिश करी थी, यहाँ पर डी नहीं होगा, कन्फ्यूज़न मत रहिए, ये सिर्फ बी था, वुमेन के लिए। कृषि को सहयोग देने के लिए बजट 2020-21 में कौन कौन सी जो है योजनाएं शुरू करने की बात करी गई, बताइए जल्दी से। 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, 36 का करेक्ट आप बताइएगा खुद कौन सा होना चाहिए। वैसे इसमें जो है मैं बता देता हूँ, कृषि रेल की बात करी गई, कृषि उड़ान की बात करी गई, सड़क की बात नहीं करी गई, तो कन्फ्यूज़न करने के लिए सिर्फ। ठीक है, तो इसमें बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, सही। और कृषि रेल, अच्छा ये बताइए कृषि रेल ये किस मंत्रालय के अंदर में होगी और कृषि उड़ान किस मंत्रालय के अंदर में होगी, ये दो आपके लिए क्वेश्चन है, ये सब मैं पहले बता चुका हूँ। वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट यूपी में जो थी अभी तक, अभी बजट में भी आ गई है, किस जो है ये सेक्टर के लिए करी गई है, बताइए जल्दी से कमेंट करके, थोड़ा कन्फ्यूजिंग लगेगा आपको, कई बार ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है। 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट जो आपकी स्कीम है, ये यहाँ पे जो इसका आंसर होना चाहिए ए और बी दोनों होना चाहिए, हॉर्टिकल्चर के लिए भी है और एक्सपोर्ट के लिए भी है ये। ठीक है, ये हॉर्टिकल्चर और प्लस जो है उसको एक्सपोर्ट के लिए है, तो दोनों के लिए है ये। 37 का ए और बी दोनों में से कोई भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। 38 ये जो है आपका 2020-21 में बजट आया था, इंडिया ने टारगेट रखा है फुट एंड माउथ डिसीज़, ठीक है, और ये जो ब्रुशुलेस जो कैटल में होती है और प्लस जो आपकी PPR है शीप एंड गोट में, इसको कब तक ख़त्म करने का टारगेट रखा है, और इसका 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 2025 तक का, बिल्कुल सही है, सब बजट में बताया गया है। 39 नेशनल टेक्सटाइल टेक्निकल मिशन ये प्रपोज किया गया है 4 साल के लिए, ये 2020-21 से लेके 2023-24 तक के लिए है ये। अब ये बताइए इसका आउटले कितना था, कितना पैसा इसमें जो है डाला गया है। 39 का बी हो जाएगा 1480 करोड़ रुपए। फिर नेक्स्ट है इसमें 2020-21 के बजट के हिसाब से एक ट्राइबल म्यूजियम सेटअप की जाएगी, किस स्टेट में ये पूछ रहा है, किस स्टेट में। 40 का हो जाएगा सी, रांची में करी जाएगी, यानी कि झारखंड में। 41 बजट 2020-21 के हिसाब से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज एंड कंजर्वेशन ये किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत यहाँ पे किया जाएगा। 41 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ये कुछ कुछ मैंने यहाँ पे सरल क्वेश्चन डाले हैं जानबूझ के, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ज़्यादातर लोग अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, बड़े जो है दुखी हो जाते हैं, इसीलिए मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सरल करने की कोशिश की, इससे सरल यार हमसे नहीं हो पाएगा, फिर आप जो है बाकी जो जहाँ देखते हो वहीं देखो, क्योंकि मेन चीज़ है एग्ज़ाम में सिलेक्ट करवाना मेरा टारगेट है। मेरा टारगेट आपको खुश करके जो है यहाँ पे नंबर बढ़ा के आप खुश हो जाएं, ये नहीं है। आप यहाँ पे दुखी हो लेकिन एग्ज़ाम में सिलेक्ट हो जाए तो हमारा मिशन पास हो जाएगा। 42 में डी इसका कोई भी नहीं है, हेडक्वार्टर जो CDRI का होगा कहाँ पे होगा, दिल्ली में होगा, तो इसीलिए कोई भी नहीं है, वो भी हेडक्वार्टर मतलब अभी जो सेक्रेटरीट आने वाला है। इंडिया के जो नेशनली डिटरमिंड कंट्रीब्यूशन है ये इसका इम्प्लीमेंटेशन कब से चालू होगा, ये बजट में कब बताया गया है, 1 जनवरी 2021 से। ठीक है, बजट के हिसाब से कितना फंड यहाँ पे एलोकेट किया गया है एडुकेशन सेक्टर को, 44 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 99,300 करोड़ रुपए, ये ज़रूर याद कर लीजिएगा, ये UPPCS जैसे एग्जाम में ज़रूर आ सकते हैं। 45 में अगर आप देखेंगे बजट 2020-21 के हिसाब से, कौन सा जो टैक्स है सबसे ज़्यादा रिवेन्यू देगा इंडियन गवर्नमेंट को, ये सारा जो है मैंने रुपी कम्स फ्रॉम रुपी गोज़ टू ये सब बताया था, तब आपने बिल्कुल जो है इसको देखा होगा ध्यान से। 45 का हो जाएगा ए, सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से आता है, अगर 100 पैसे की बात थी तो मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा जो है कौन से टैक्स से आएगा, वो आएगा आपका कॉरपोरेशन टैक्स से, और फिर आएगा आपका इनकम सॉरी कॉरपोरेशन टैक्स से और GST से, दोनों से 18-18% आएगा, लेकिन कॉरपोरेशन से ज़्यादा आएगा GST से यहाँ पे, नहीं नहीं सॉरी कॉरपोरेशन और मतलब इन चारों में अगर आप बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा किससे आएगा, कॉरपोरेशन से। ठीक है, अच्छा हाँ इसमें कन्फ्यूज़न हो गया थोड़ा, देखिए अगर बजट का अगर आप देखेंगे तो रुपी कम्स फ्रॉम में अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा क्या था, बोरोइंग, उसके बाद क्या था GST, उसके बाद था कॉरपोरेशन टैक्स, ठीक है, और उसके कॉरपोरेशन टैक्स के बाद था फिर इनकम टैक्स, तो मतलब अगर GST और ये जो कॉरपोरेशन टैक्स है दोनों 18% थे, लेकिन फिगर इसका GST का ज़्यादा था,
ये ध्यान रखिएगा। अब इन चारों पूछा है तो कौन सा होगा, कॉरपोरेशन टैक्स। 46 में बताना है आपको ये जो सब्सिडी दी जाती है इस बार जो सब्सिडी का क्या परसेंटेज है इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 46 का डी, 3-2-1, सबसे ज़्यादा है फूड की, फिर फर्टिलाइजर की, फिर पेट्रोलियम की, यही ट्रेंड चल रहा है काफ़ी पिछले दिनों से। सबसे ज़्यादा सब्सिडी मिलती है फूड, फिर फर्टिलाइजर, फिर आपका पेट्रोलियम। 47 में बताना है आपको ये जो है ये तीन चीज़ें लिखी हैं इसमें जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ परसेंटेज ऑफ जीडीपी बताना है, ठीक है। 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, इसमें जो है आपका 3-2-1 होगा, ठीक है। 3-2-1 क्यों होगा, देखिए जो ग्रॉस टैक्स रिसिप्ट है ये है 10.8% ऑफ जीडीपी, डायरेक्ट टैक्स कितनी है 5.9% ऑफ जीडीपी, इनडायरेक्ट टैक्स कितना है 4.9% ऑफ जीडीपी। देखिए ये तो हमेशा ज़्यादा रहेगा ही, तो वन तो सबसे लास्ट में ही आना चाहिए, मतलब ये वाले तो ऑलरेडी जो है नहीं हो सकते हैं, तो या तो डी हो सकता था या सी हो सकता था, समझ रहे हैं आप बात। वन को तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो सबसे लास्ट में वन आना ही चाहिए, बात समझ रहे हैं कि नहीं, और इसका सी होगा इसलिए, तो यहाँ पे किया जा सकता था ये। 48 कौन सा हमेशा इसमें ट्रू हो सकता है, 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, यहाँ पे इसके लिए आप डेफिसिट वाला वीडियो देख लीजिएगा, बजट वाले में मैंने लास्ट में किया है, एक मेरा डेफिसिट करके वीडियो है, डेफिसिट डेफिसिट बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। डेफिसिट जितने टाइप के होते हैं, फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट, सारे बताए हैं। 48 में बड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, अभी देखना लोग जो है इसमें डिस्कशन भी करेंगे। जो मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है हमारे हिसाब से 48 का बी होना चाहिए, क्योंकि फिजिकल डेफिसिट जो है हमेशा बजट डेफिसिट से ज़्यादा होता है बड़ा, बजट डेफिसिट को इंडिया में ज़ीरो मानते हैं क्योंकि इसलिए, ठीक है। तो ये वाली चीज़ हमेशा होगी, अब बाकी सब चीज़ें सब्जेक्टिव हैं लेकिन ये तो हमेशा होगी, ठीक है। 48 का मेरे हिसाब से बी होना चाहिए। 49 में कितने लोग, ये पूछ रहा है कि कितने लोग को गरीबी से बाहर निकाला है 2006 से लेकर 16 तक, ये बजट का क्वेश्चन है। 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 271 मिलियन, यानी कि कितने हो गए 27.1 करोड़ लोग, इतने लोगों को 2006 से 16 के बीच में गरीबी रेखा से बाहर निकाला है। बजट 2020-21 के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट अब कितना हो चुका है, 50 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 48.7%। बजट में यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर किसके लिए यूज किया गया था ये बताना है आपको। 51 का करेक्ट आंसर हो जाएगा चैरिटी के लिए, चैरिटी जितने भी आपके इंस्टीट्यूशन है उनको अब जो है रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, URN लेना पड़ेगा उनको। 52 डिपॉजिट इंश्योरेंस जो कवरेज है, मतलब कि अगर आपने बैंक में जितना भी पैसा रखा हो अभी तक वो कितना जो है आपको दे सकते थे 1 लाख रुपये, अब वो 5 लाख कर दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा डी, 52 का डी। बात समझ रहे हैं, मतलब आपका चाहे जो है 1 करोड़ रुपया हो और चाहे जो है 100 करोड़ हो, लेकिन अगर बैंक डूबी या फिर जो है बैंक लिक्विडेट हुई, बैंक जो है भाग गया कोई लेके पैसे वैसे, तो किसी भी केस में अगर बैंक बंद हुई तो मतलब आपको सिर्फ 1 लाख मिलता था, अब सिर्फ 5 लाख मिलेगा, ये तो बड़ी जो है समस्या वाली बात है। खैर बजट 2020-21 के हिसाब से इनकम फार्मर की कब तक डबल होने की उम्मीद है, वो हमेशा से जो है नेगेटिव चल रहा है पिछले 2-3 सालों से, 2022 तक देखते हैं हो पाती है कि नहीं। 54 में बजट 2020-21 के हिसाब से आपको सही चीज़ें चुननी है, यहाँ पे सही कथन चुनने हैं, 1, 2, 3, 4 चार स्टेटमेंट में से सही वाले चुनने हैं। 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पीएम कुसुम योजना, ये जो लोगों को केरोसिन और सोलर पंप में जो है यहाँ पे केरोसिन से हटा के मतलब सोलर पंप की यहाँ पे के लिए है, मतलब सोलर पंप को प्रमोट करने के लिए कुल मिला के ये, ठीक है। और इसमें जो है अगर सेकंड स्टेटमेंट है, इन्फ्लो कितना है एफडीआई में 2015-19 तक $284 बिलियन सही है। और अगर आप देखेंगे कोल्ड सप्लाई चेन बनाने के लिए इंडियन रेलवे किसान रेलवे जो है स्कीम ला रही है। अब देखिए इस वाले जो किसान रेल वाला स्कीम था उसका आंसर इसी में छुपा हुआ है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट 2.83 लाख करोड़ जो किसको किए गए हैं, एग्रीकल्चर और रूरल डिपार्टमेंट को किए गए हैं, ठीक है। तो चारों स्टेटमेंट सही है। 55 में करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं, 1, 2, 3 स्टेटमेंट दिए हैं, बजट 2020-21 के हिसाब से करेक्ट बताने हैं। 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, तीनों स्टेटमेंट सही है। 112 जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट थे जहाँ पे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं था, अब वहाँ पे पीपीपी बेस्ड जो है यहाँ पे वाइबिलिटी का फंडिंग दी जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि मतलब वो जो है कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अगर ऐसा है
प्रोजेक्ट जहाँ पे जो है भैया ये वाइबल तो है लेकिन उसको पैसा नहीं मिल रहा है, तो उसको पैसा तो दे दिया जाए, तो वही फंडिंग होती है, उसी को बोलते हैं कि वाइबिलिटी गैप फंडिंग। मतलब वाइबल तो है लेकिन गैप किस चीज़ का है, फाइनेंशियली, उसमें जो है सपोर्ट कर दिया जाता है, पीपीपी बेसिस पे किया जाएगा। टीबी हारेगा देश जीतेगा, इसको जो है 2025 तक टीबी को ख़त्म करना है। डेट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का 48.7%, ये 2-3 बार मैंने किया है, ध्यान रखिएगा, ये जो है क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 55 का हो जाएगा सी। 56, इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं बजट 2020-21 के हिसाब से, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का बी। यहाँ पे जो है सारे स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, मैंने बताया था हमेशा नहीं होते हैं सारे सही, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 56 का बी, पहला सही है। टर्नओवर थ्रेशोल्ड जो है ऑडिट की एमएसएमई के लिए अब 1 करोड़ से बढ़ा के 5 करोड़ कर दी गई है, चौथा सही है। स्टडी इन इंडिया प्रोग्राम के तहत एक इंड सेट यहाँ पे जो है ये आपका ये जो एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज़ के लिए यहाँ पे ये किया जाएगा, ये मतलब परीक्षा करी जाएगी ये, ठीक है। तो ये एक मतलब ये इंड सेट परीक्षा प्रस्तावित है, इंड सात नहीं है, ये इंड सेट होना चाहिए यहाँ पे, ठीक। तो इसका पहला और फोर्थ सही है 56 का। इसमें देखिए जो इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज आएगा गिफ्ट सिटी में, गिफ्ट सिटी कहाँ पे है, गुजरात में है ये, महाराष्ट्र में नहीं है, तो सेकंड का गलत हो गया। और निर्विक स्कीम जो है ये आपकी इंश्योरेंस कवर देगी एक्सपोर्टर को, तो इसीलिए ये भी गलत हो गया। 57 में आपको बजट के हिसाब से बताना है कि टॉप 13 मिनिस्ट्री में जहाँ पे हाईएस्ट एलोकेशन किया गया है, सबसे ज़्यादा परसेंटेज इंक्रीज़ किस मिनिस्ट्री को दिया गया है। 57 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, इसका जो एलोकेशन है 129% बढ़ाया गया है टॉप 13 मिनिस्ट्री के हिसाब से अगर आप देखें। 58 में करेक्ट स्टेटमेंट बताने हैं बजट 2020-21 के हिसाब से, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 58 का डी, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। फिट इंडिया मूवमेंट को गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, लाइफ स्टाइल जो डिसऑर्डर होते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज से लड़ने के लिए। कॉरपोरेट टैक्स जो नई डोमेस्टिक कंपनी आएंगी मैन्युफैक्चरिंग में और प्लस पावर सेक्टर, बस इन्हीं दोनों की बात करी गई है, उनको 15% के लिए प्रपोज किया गया है, लेकिन हालांकि कई सारे उनके एग्जम्पशन बाद के हटाए गए हैं। पैन कार्ड को इंस्टेंटली बेस जो है यहाँ पे इशू कर दिया जाएगा आधार डिटेल के हिसाब से, तो 58 का हो जाएगा आपका डी। 59 में बजट 2020-21 के हिसाब से सही कथन बताने हैं, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1, 2, 3, ठीक है। 59 में पहला ये है कि विवाद से विश्वास स्कीम, ये किस चीज़ के लिए है कि जितने भी टैक्स वाले संबंधित मामले हैं मुकदमेबाजी, उनको ख़त्म कर दिया जाए, ठीक है। अभी तक इनडायरेक्ट टैक्स के लिए था, अभी डायरेक्ट टैक्स के लिए भी लाई गई थी इस बार, ये सब चीज़ें मैंने बताई थी आपको बजट वाले में। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी आएगी नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन प्रोसेस होगी यहाँ पे। कृषि उड़ान योजना, इसको मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन यहाँ पे लॉन्च करेगी, तो ये दोनों जो क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर इसी में मिल गए। 59 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 60, कौन सा टैक्स जो है अबॉलिश कर दिया गया है बजट 2020-21 में, जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स सी। बजट 2020-21 के हिसाब से कितने फंड एलोकेट किए गए हैं लद्दाख के लिए, ये बताना है आपको। 61 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, 5,958 करोड़। अच्छा, कश्मीर, जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है विद लेजिस्लेचर, उसके लिए कितने किए गए हैं, नेक्स्ट आपको बताना है, वो आपको बताना है कमेंट करके। बजट 2020-21 के हिसाब से आपको करेक्ट आंसर बताना है, 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, 62 का हो जाएगा सी, तीनों स्टेटमेंट सही है। 20% रिडक्शन हुआ है टर्न अराउंड टाइम में, और जो ट्रक का टर्न अराउंड टाइम होता है 2006 से लेकर 2016 तक 27 करोड़ लोगों को जो है गरीबी रेखा से बाहर निकाल लिया गया, और लास्ट के 2 सालों में 60 लाख से ज़्यादा नए टैक्स पेयर एडेड हुए हैं जीएसटी में। कस्तूरी मंजल, ये किससे संबंधित है, 63 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, टर्मरिक है ये, ठीक है। कस्तूरी मंजल क्या है, टर्मरिक, तो ये जरूर याद रखिएगा, इसमें ये मंजल होना चाहिए यहाँ पे। कस्तूरी मंजल क्या है, ये एक हल्दी है ये, ठीक है, हल्दी। नेक्स्ट इसमें आपके पास आ रहा है 64 क्वेश्चन, इसमें आपको 3 स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से करेक्ट वाला बताना है, और इसका 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट है आपका ट्राई मेटल स्ट्रक्चर जीसस क्राइस्ट का, ये आपका कहाँ पे मिला है, केरल में, और इसको जो है यहाँ पे यूनिवर्सल रिकॉर्ड फोरम में यहाँ पे दर्ज किया गया है, जो वर्ल्ड रिकॉर्ड का है ये, ठीक है, ट्राई मेटल स्ट्रक्चर है ये, हीलिंग क्राइस्ट का, ये जरूर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट इसमें स्टैचू में अगर आप देखेंगे, इसमें किसका किसका एलॉय है, जिंक, कॉपर और वेलुथियम का,
ठीक है। तो वेलुथियम जो है एक नई चीज़ आ गई। वेलुथियम क्या है, ये एक एलॉय है टिन और एल्यूमिनियम का, ये तीनों ये याद रख लीजिएगा। वेलुथियम पूछ सकते हैं क्या है, ये जो है ये सब आर्ट एंड कल्चर का करंट अफेयर है यूपीएससी का, इसमें उसका है ये क्वेश्चन। 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। 65 में जेबेल अली किससे रिलेटेड है, ये अभी लेटेस्ट न्यूज़ में थे, 65 का सी हो जाएगा। ये एक नया जो है डिस्कवरी है गैस रिजर्व की, ठीक है। तो 65 में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, ये एक नया जो है आपका ये डिस्कवरी हुई है गैस रिजर्व की, दुबई में ये लोकेटेड है, यूएई में, ठीक है। नेक्स्ट इसमें तिशरीन क्रांति किससे रिलेटेड है ये आपको बताना है, और इसमें से यहाँ पे तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं 66 में, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। 16 साल के जो यहाँ पे भ्रष्टाचार था इराक में, उसको ख़त्म करने के लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उसी को बोल रहे हैं तिशरीन क्रांति। ये जरूर याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आजकल बहुत पूछ रहा है यूपीएससी में भी आ सकता है कि ये तिशरीन क्रांति क्या है ये। तो इसको जो है 2019 में इराकी प्रोटेस्ट को बोला गया है तिशरीन क्रांति, या फिर उसको अक्टूबर रिवॉल्यूशन भी बोल रहे हैं कुछ लोग, कुछ कह रहे हैं इराकी इंतिफदा। 2 अक्टूबर 2019 में चालू हुआ था ये, सोशल मीडिया में चालू हुआ था, सिविल जो आपके एक्टिविस्ट थे उनके द्वारा, फिर धीरे धीरे कई जगह फैल गया, और 16 साल के करप्शन के खिलाफ है ये सब। यहाँ पे देखिए इसरो से रिलेटेड यहाँ पे तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं, और इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है तीन स्टेटमेंट में, और इसका करेक्ट आंसर है 67 का सी। तीनों ही यहाँ पे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली करेक्टली, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट सही है, मतलब पहला स्टेटमेंट क्या है, इसरो ने अभी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है उन्नति ये लॉन्च किया है, कैपेसिटी बिल्डिंग के प्रोग्राम के लिए, नैनो सेटेलाइट डेवलपमेंट के लिए। तो पहला बिल्कुल सही है, क्षमता निर्माण के लिए इसरो का ये प्रोग्राम है उन्नति। नेक्स्ट है इसमें प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम जो है ध्रुव, इसको किसने लॉन्च किया है, तो ये जरूर याद रखिएगा, इसको लॉन्च किया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने। ध्रुव नाम का प्रधानमंत्री नवीन शिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है, इसका उद्देश्य क्या है, जो भी प्रतिभावान छात्र हैं उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराना, और इसके लिए जो समाज में कैसे वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें इसरो ने अभी एक स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च किया गया था ये स्कूल चिल्ड्रन के लिए, जिसका नाम है यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, या फिर युवा विज्ञानी कार्यक्रम, 2019 से चालू हुआ था। बेसिकली ये किस चीज़ पे फोकस है ये प्रोग्राम, बेसिक नॉलेज स्पेस टेक्नोलॉजी पे, स्पेस साइंस पे, स्पेस एप्लीकेशन पे, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में दो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, आपको इनमें से करेक्ट बताना है। 68 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब वही है कि आप जो है एक रोबोट को, या फिर जो है आपका मशीन ऐसी बना दो कि वो इंटेलिजेंट मशीन हो, मतलब उसमें ह्यूमन की तरह वो सोच सके, सिंपल बात वही है। तो इसकी क्या है, ये सिस्टम एबिलिटी टू लर्न एंड इंटरप्रेट, मतलब कि ये सिस्टम की एक ऐसी एबिलिटी है जो एक्सटर्नल डेटा को सॉफ्टवेयर के मार्फत इंटरप्रेट करने लगे, वही है जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लेकिन ये जो है ये इन्वायरमेंट से नहीं सीख सकते हैं, ये भी एक सत्य है, अभी तक तो नहीं सीख सकते हैं, आगे भले ही ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए तो ये इन्वायरमेंट से सीखने लगे तो जो है और ज़्यादा इसमें यहाँ पे एडवांसमेंट हो जाएगा। 69 का करेक्ट आंसर बताना है, तीन यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हैं, इसमें से गलत वाला बताना है, और इसका 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ना ना इसमें कोई भी जो है यहाँ पे इनकरेक्ट नहीं है, सारे स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यूएन डिकेड फॉर द डिसेबल्ड 1983 से लेकर 92 तक को किया गया है, इंडिया ने यूनिफॉर्म ब्रेल कोड अपना लिए हैं सारी जो है इंडियन भाषाओं के लिए, इंडियन लैंग्वेजेस के लिए, और इंडिया का ये जो है आपका इंडिया ने इनेक्ट कर दिया है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 से, क्योंकि यूएन कन्वेंशन जो था यूएन कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, तो उसके लिए इंडिया ने भी यहाँ पे ये वाला एक्ट अपना दिया है, ठीक है, मतलब यूनिवर्सल जो है स्टैंडर्ड को फॉलो करते हुए। यहाँ पे दो स्टेटमेंट लिखे हैं, दोनों में से आपको करेक्ट बताना है कौन कौन सा यहाँ पे सही जवाब है। 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, दोनों स्टेटमेंट सही है। निष्ठा जो स्कीम है, निष्ठा का क्या मतलब है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक डेवलप एडवांसमेंट, मतलब समझ रहे हैं ये किस चीज़ के लिए है, ये एक नेशनल मिशन है ताकि यहाँ पे टीचर को ट्रेन किया जा सके, बात समझ रहे हैं, अध्यापकों की ट्रेनिंग के लिए है ये। ऑब्जेक्टिव क्या है कि टीचर के अंदर जो है स्किल डेवलप की जाए, उसको इंकरेज किया जाए कि वो स्टूडेंट की तरह जो है स्टूडेंट में मतलब क्रिटिकल थिंकिंग पैदा करे, उसके लिए टीचर की ट्रेनिंग करी जाए, और ये दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। शगुन क्या है, ये एक इंटीग्रेटेड ऑनलाइन जंक्शन है स्कूल एजुकेशन के लिए, ठीक है,
और इसमें करीबन 1200 केवी, 600 नवोदय विद्यालय, 20000 सीबीएसई वाले स्कूल सारे इसमें इंटीग्रेट कर दिए गए हैं शगुन में। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है, ये जरूर ठीक है। अच्छा ये बताइए, निष्ठा जो प्रोग्राम है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है और शगुन भी किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, जल्दी से कमेंट करके बताइए। 71 में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, इनमें से आपको करेक्ट आंसर बताना है, इनकरेक्ट बताना है 71 का, और इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्टली परफेक्टली सही है, ठीक। ग्लोबल रिस्क जो रिपोर्ट है इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हर बार रिलीज करता है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2019 आई थी, उसमें ये सारे खतरे बताए गए हैं जो वर्ल्ड फ्यूचर में फेस करेगा, जियोपॉलिटिकल, जियो इकोनॉमिक जो टेंशन होने वाली है, इस सारी चीज़ों के बारे में जो है बताया गया है। ये रिपोर्ट बेसिकली क्या प्रेजेंट करती है, ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे, ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो ये जो है कौन कंडक्ट करवाता है, ये ग्लोबल रिस्क परसेप्शन सर्वे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही करवाता है इसको, तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है। 72 का यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, चारों में से आपको करेक्ट बताना है, और ये भी एक जो है काफ़ी बेहतरीन सवालों में से है, काफ़ी इसमें फैक्ट है। 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इंडिया की जो ड्राफ्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें GER को कम से कम 50% तक बढ़ाना जो है किया गया है, वर्ल्ड स्टैंडर्ड है 30% के आसपास, तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो हायर एजुकेशन की बात हो रही है लेकिन यहाँ पे 50% तक जो है यहाँ पे बढ़ाने की बात हुई है। करंट GER कितना है, 26.3% है। इंडिया का GER ग्लोबल एवरेज से कितना है, मतलब कम है, 36.7% है ये, तो 36.7% यहाँ पे है वर्ल्ड का। यूनेस्को के हिसाब से GER की देखिए डेफिनेशन भी लिखी गई है, टोटल इनरोलमेंट एक देश में एक स्पेसिफिक लेवल ऑफ एजुकेशन में, चाहे वो मतलब प्राइमरी लेवल हो, सेकेंडरी हो, हायर एजुकेशन हायर लेवल हो, और इसमें जो है एज का कोई मैटर नहीं होता है, एक्सप्रेस किया जाता है एज अ परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, मतलब उसी एज की कितनी पॉपुलेशन है, समझ रहे हैं, मतलब उसी एज की कितनी पॉपुलेशन है ऑफिशियल जो एज ग्रुप होगा, और उसी में से कितने लोग यहाँ पे इनरोल्ड हैं, चाहे वो जो है आपका प्राइमरी में हो, सेकेंडरी में हो, हायर में हो, तो ये वाला जो है स्टेटमेंट। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम्बिशियस टारगेट है कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 40% तक लाना है हमको 2024 तक, और हमको 2035 तक कितना लाना है, 50%, तो ये दोनों चारों स्टेटमेंट सही हैं। इसके बाद जो है आपका 73 में आपको यहाँ पे 4-5 स्टेटमेंट दिए गए हैं, और इसमें आपको बताना है, एक बार पढ़ लीजिए ध्यान से, इसमें 5 में से आपको सही वाला बताना है। 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, 1, 2, 3, 4, 5 पाँचों सही हैं। पोषण अभियान के बारे में है, राजस्थान के झुंझुनू से स्टार्ट किया गया था 2018 में एक पोषण अभियान, में कई सारे मंत्रालय हैं, चाहे आपका जो है ये, और इसका मेन एम क्या है, स्टंटिंग को, अंडर न्यूट्रिशन, एनीमिया, इन सबको जो है ख़त्म करना, और इसके लिए भी जो टारगेट लिए गए हैं 2022 तक करना है, स्टंटिंग को 2%, और जो है आपका अंडर न्यूट्रिशन को 2%, 3% जो है ये आपका अनीमिया, और बाकी जो है ये लो बर्थ वेट कितना, 2% हर साल कम करना है ये, ठीक है। भारत और यूनिसेफ ने 2018 में यहाँ पे एक ये कंट्री प्रोग्राम पे हस्ताक्षर किए हैं, बिल्कुल सही है ये, और इसके लिए जो यूनिसेफ है ये वुमेन ऑफ ये सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड इसके साथ जो है यहाँ पे तकनीकी सहायता कर रहा है। 50% टोटल बजट आएगा वर्ल्ड बैंक से, ठीक है, और 50% केंद्र के बजट मतलब इंडिया का को देना पड़ेगा। सितंबर को हर बार राष्ट्रीय पोषण माह मनाते हैं, ये पोषण माह नहीं है, पोषण माह है ये, ठीक है, एक आध जगह मिस्टेक है यहाँ पे, तो इसका जो है सी सही है। 74 में आपको बताना है सही वाला, और इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे है, 4 स्टेटमेंट है यहाँ पे, ये कुछ लास्ट में कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन लिए हैं, कई सारे एक्चुअली मुझे करंट अफेयर कवर करने थे इसलिए, तो 74 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, चारों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं, ठीक है। पहला ये है कि कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ है, उसमें ज़्यादातर जो है ये NCD यानी कि नॉन कम्युनिकेबल जो डिसीज़ होती है उसकी सबसे ज़्यादा मतलब डेथ होती है NCD की, और उसके बाद कैंसर की, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर की मतलब सबसे ज़्यादा NCD डेथ है, उसके बाद कैंसर की, उसके बाद रेस्पिरेटरी और ये डायबिटीज़। ICDS को कब किया गया था, 1975 में रट लो इसको, और इसको फिर जो है आंगनवाड़ी सर्विसेज बोल दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में है। मेन एम क्या है इसका, कि जो आपका न्यूट्रिशन और हेल्थ स्टेटस है चिल्ड्रन का, 0 से 6 साल तक के बच्चों का, उनका बढ़ाया जा सके, ठीक है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन की, और ये मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम है, इंडिया के सारे डिस्ट्रिक्ट में ये करा जा रहा है, ये किसके प्रोविज़न के अंतर्गत, NFSA 2013 में। मिड डे मील स्कीम जो है ये क्या कहती है,
इसमें आपको जितने भी बच्चे हैं, मतलब एक पहली बात तो स्कूल में इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए है कि लोग बच्चे जाएं वहाँ पे फ्री में खाना मिलेगा, और उसमें 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं एक क्लास 1 से 8 में पढ़ते हैं उनको जो है हॉट कुक्ड मील और प्लस जो है बाकी यहाँ पे जो है सारी चीज़ें मिलेंगी फ्री में, ठीक है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आती है? HRD मिनिस्ट्री के अंडर में आती है मिड डे मील स्कीम। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन है वो इसको देखता है। 75 में दो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं तो उनमें से बताना है आपको करेक्ट वाला। 75 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दोनों स्टेटमेंट सही है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 कहती है गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है होनी चाहिए हेल्थ की 2025 तक ये 2.5% होनी चाहिए। तो हेल्थ का अभी परसेंट कितना है? 1.6, ये बढ़ा के 2.5% करने की बात करती है। जननी सुरक्षा स्कीम जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के अंडर में आती है। एक सेफ मदरहुड इंटरवेंशन होता है नेशनल हेल्थ मिशन के तहत। 2005 में इसको स्टार्ट किया गया था। 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है ये। इसमें कैश असिस्टेंट दिया जाता है डिलीवरी और जो है डिलीवरी के बाद सारे स्टेट में इंप्लीमेंट करी जा रही है ये। नेक्स्ट है इसमें कौन कौन सी इसमें से हेल्थ से रिलेटेड, ये पांच चार प्रोग्राम के नाम लिखे हुए हैं इनमें से हेल्थ से रिलेटेड कौन कौन सा है जल्दी से बताइए। 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 1, 2, 3 तीनों, बाकी तीनों तो हैं लेकिन रोशनी नहीं है, ठीक है। अनमोल भी है आपका, अनमोल एक एप्लीकेशन है, इसमें जो है डेटा कलेक्शन पे ज़्यादा फोकस किया गया है। कौन कौन सा डेटा चाहिए कलेक्ट कर रहा है ये, जो कि क्या स्टेटस है चाइल्ड और मैटरनल हेल्थ सर्विसेज का, ठीक है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ करवा रहा है। फिर नेशनल डिजिटल जो आपका ये है ये हेल्थ ब्लूप्रिंट, ये कौन करवा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ करवा रहा है ये, ठीक है। और ये जो ब्लूप्रिंट है ये किस चीज़ के लिए सजेशन देगा? ताकि डिजिटल टेक्नोलॉजी को कैसे हेल्थ सेक्टर में उतार के आप जो है हेल्थ सेक्टर को एक्सपेंड कर सकें। रोशनी एप्लीकेशन नहीं है, रोशनी एप्लीकेशन ये IIT रोपड़ ने लॉन्च किया था। ये विजुअली इम्पेयर्ड के लिए है ये, कि मतलब ये मतलब जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड हैं वो लोग करेंसी नोट को कैसे पहचानेंगे उसके लिए रोशनी है ये। तो हेल्थ से रिलेटेड नहीं है ये, समझ रहे हैं आप बात? हेल्थ इनिशिएटिव से रिलेटेड नहीं है ये, बाकी सब है इसमें। जो आपका नेशनल हेल्थ स्टैक क्या है, ये एक सेंट्रलाइज्ड हेल्थ रिकॉर्ड है जितने भी इंडिया में सिटीजन है सबका, समझ रहे, मतलब सबकी हेल्थ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ली जा सके। डीजी गांव किसका इनिशिएटिव जल्दी से बताइए। 77 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ये है आपका MEITY, इसका इनिशिएटिव है ये। नेक्स्ट है इसमें विदेशों में सबसे ज़्यादा भारतीय किस देश में है, आप बताइए। ये वाला जो है आपको पक्का ये गलत होगा। 78 का करेक्ट आंसर होगा जल्दी बताइए, ये आप ही बताइएगा लास्ट में, वैसे बता दे रहा हूँ नहीं तो फिर आप स्कोर कैसे बताएंगे। 78 का करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी, UAE में सबसे ज़्यादा विदेशों में भारतीय जो है। नंबर वन पे UAE है, नंबर टू पे सऊदी अरबिया है, नंबर थ्री पे US है, ये टॉप 3 जरूर याद रखिएगा। दो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं दोनों में से गलत बताना है, और आपका 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, दोनों ही स्टेटमेंट गलत नहीं है, दोनों स्टेटमेंट सही है। 13 COP जो हुआ है आपका कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल, ठीक है, ये आपका कहाँ पे हुआ है? 17 से 22 फरवरी तक गांधीनगर गुजरात में। इसका मैस्कॉट कौन था? गिबी, ठीक है, द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है इसलिए कोई गलत नहीं है, ठीक। उसके बाद मुक्तोश्री, ये अभी न्यूज़ में था, किस चीज़ से रिलेटेड है? 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये चावल था, ठीक है, और इसमें जो है ये चावल था और इसको इसीलिए अभी आया था चर्चा में काफ़ी। एक एक जो है आपका चिनसुरा करके एक राइस रिसर्च स्टेशन है वेस्ट बंगाल का, और एक नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है लखनऊ का। इन्होंने मिला के जो है एक वैरायटी डेवलप की है राइस की जो कि आर्सेनिक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंट है, समझ रहे हैं आप? और इसका नाम क्या रखा गया है? IET21845, इसी को जो है बोल रहे हैं मुक्तोश्री। तो ये आप याद रखिएगा। देखिए ये इसलिए किया गया क्योंकि वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है आर्सेनिक कंटेमिनेशन है ग्राउंड वाटर में। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, UPPCS का तो फेवरेट क्वेश्चन रहा है ये। 81 यहाँ पे 3-4 स्टेटमेंट दिए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन कौन सा गलत है, और इसका जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 81 का ए, 4 वाला गलत है सिर्फ, बाकी 1, 2, 3 सही है, ठीक है। म्यूनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स, ये एक आपका इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का, बिल्कुल सही है ये। गाजियाबाद ने अभी एक इनिशिएटिव लिया है गया है ऑपरेशन नकई, ये किस चीज़ के लिए? जो आपके ऑटो ड्राइवर को वेरीफाई करने के लिए है ये, ठीक है, नकई।
और तीसरा है एक बुक आई है चाइल्ड ऑफ डेस्टनी, ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है, के रामकृष्ण राव की। तो इसमें जो है आपका फोर्थ वाला गलत है, ठीक है। 81 में अगर आप देखेंगे तो फोर्थ वाला गलत है, क्योंकि ये यहाँ पे ये ब्राज़ील नहीं होगा, यहाँ पे बोत्सवाना होगा। बोत्सवाना ऐसी कंट्री जिसने अभी लाइसेंस दिए हैं जो है आपका, जहाँ जहाँ भी मतलब ये हाथी परेशान कर रहे हैं ह्यूमन को, उनके लिए। तो जहाँ जहाँ कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है जो है वहाँ पे हाथियों को जो है मारने की इजाज़त दी है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है, हाथियों का शिकार करने की इजाज़त दी है, ब्राज़ील ने नहीं बोत्सवाना ने दी है, ध्यान रखिएगा। और ये एक अलग से क्वेश्चन भी आ सकता है, ये अलग से क्वेश्चन आ सकता है, यूपीपीएससी में ज़रूर आ सकता है ये। 82 में तीन चार स्टेटमेंट दिए हैं, उनमें से आपको करेक्ट बताना है, और इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 82। 82 का यहाँ पे करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी, 1 2 3 4, चारों स्टेटमेंट सही है। देखिए ये करंट अफेयर है सारी। 23rd नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस कहाँ पे हुआ था, मुंबई में हुआ था, ठीक है। ई गवर्नेंस पर 23वां जो राष्ट्रीय सम्मेलन मुंबई में किया गया था आपका, अभी हुआ है फरवरी 2020 में। इसमें अगर आप देखेंगे 10 जो है पॉइंट का मुंबई डिक्लेरेशन यहाँ पे अडॉप्ट किया गया। तो ये भी पूछ सकते हैं मुंबई डिक्लेरेशन जो है, मुंबई घोषणा पत्र, ये किस चीज़ से रिलेटेड है, ये ई गवर्नेंस से रिलेटेड है, ये 10 सूत्री ई गवर्नेंस से रिलेटेड है, ठीक है। ये अलग से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। आंध्र प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक नेशनल, इसको मतलब मिला है आंध्र प्रदेश को ये नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2019-20 के लिए, ये जरूर याद रखिएगा। किस चीज़ के लिए मिला है, इनका एक रियल टाइम पॉल्यूशन मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट था उसके लिए। और 6 थीम थी इस कॉन्फ्रेंस की, कौन कौन सी, डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड डिजिटल इकोनॉमी, इम्प्रूविंग सर्विस डिलीवरी, ठीक है, सेवा वितरण में सुधार मतलब, और बाकी जो है आपका कैसे डिजिटल ट्रस्ट को बनाए, ट्रांसपेरेंसी को बनाए, डिजिटल पेमेंट को जो है कैसे यहाँ पे प्रमोट किया जा सके, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी का कैसे असेसमेंट हो सके, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो चारों स्टेटमेंट यहाँ पे सही हैं, और इसमें अगर आप देखेंगे यहाँ पे सी आंसर सही हो जाएगा, 82 का सी है। यहाँ पे थोड़ा सा ये ABCD होना चाहिए, 5 6 7 8 लिख गया। 83 में बताना है आपको करेक्ट आंसर, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना जो 6,000 रुपये देगी ज़रूरतमंद फैमिली को, ये किसकी स्कीम है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा की स्कीम है ये, ठीक। 84 में साइबर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट कोड नेम है डेजफा, ये आपका अभी न्यूज़ में था, ये किससे रिलेटेड है, किस कंट्री से रिलेटेड है। और 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मलेशिया, ठीक है। 84 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट है इसमें, किस नेशन ने अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट फी जो है स्टार्ट कर दी है लेना, जो भी टूरिस्ट आएगा उनके यहाँ पे, इंक्लूड इंडिया, इंडिया के जो लोग जाएंगे उनसे भी लेगा वो, कौन सा ऐसा देश बन गया है, ये है भूटान, ठीक है, ये अच्छा एक स्टेप है। नेक्स्ट इसमें है 86 में, कौन सी सिटी, मतलब ये पहली बात तो इन इन सिटी को आपको यहाँ पे पहचानना है, फिर इनको नॉर्थ से लेके साउथ तक अरेंज करना है। 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, 15वीं ईस्ट एशिया समिट का कौन होस्ट था, ये चेन्नई था। फिर आपको फ्लैगशिप जो बाइनियल होती है हर 2 साल में, डिफेंस एक्सपो कहाँ पे हुआ है, लखनऊ में हुआ है। 22वां इंडिया इंटरनेशनल सी फूड शो 12 साल बाद ये कोची में हुआ है, अब इन तीनों को लगा लो, तो इन 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। सबसे नीचे आपका कौन सा आएगा, कोची, फिर आएगा चेन्नई और सबसे ऊपर आएगा लखनऊ, ठीक। 87 में जन सेवा यहाँ पे हो जाएगी, और ये जो है आपकी, ये जो है जनसेवक स्कीम है, जनसेवक स्कीम किसकी है, कर्नाटक की है। तो 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये डी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 88 ये पहली नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म जो जिसने कि अभी 92 सालों के इतिहास में पहली बार ऑस्कर में बेस्ट मूवी का रिकॉर्ड जीता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो है पैरासाइट नाम की मूवी आई थी, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बोल रहे हैं जो है कुछ लोग कि ये तमिल की मूवी से ये कॉपी की गई है। 88 का बी, ठीक है। अच्छा ये बताइए किस मूवी से ये कॉपी करने के लिए आरोप लग रहे हैं, कौ ये भी क्वेश्चन पूछ लें, आजकल एग्जामिनर को कोई भरोसा नहीं है। 89 में जो है आपको देख लीजिए 3 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, उनमें से इनकरेक्ट बताना है। 89 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, कोई भी स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट नहीं है, तीनों स्टेटमेंट सही हैं। जो आपका डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक ये इंटरप्राइज है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के अंडर में, ये जो है आपका पब्लिक इंटर सेक्टर इंटरप्राइज सर्वे लाता है हर बार, तो ये बिल्कुल सही है। और ये किस चीज़ के लिए, जो सेंट्रल PSC होती है उनके लिए हर साल लाता है। इस सर्वे के हिसाब से 348 CPE हैं
2019 के डेटा के हिसाब से 31 मार्च 2019 तक, इसमें से 249 ऑपरेशनल थी, बाकी जो 86 थी उनको बनाया जा रहा है और 13 जो है वो या तो क्लोज़र हो रहा है उनका या फिर लिक्विडेशन हो रहा है। इसमें देखिए जो है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि टॉप 3 प्रॉफिटेबल PSU कौन थी 2018-19 में, ONGC, IOCL और NTPC, ये जरूर याद रखिएगा। और हाईएस्ट लॉस किसका हुआ था, BSNL, एयर इंडिया और MTNL का, ये पूछ सकते हैं, UPPCS में ऐसे सवाल जरूर पूछते हैं, ठीक है। तो 89 का हो जाएगा आपका डी, जितना इंपॉर्टेंट था वो मैंने क्वेश्चन में लिख दिया है, इसके लिए कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। इसीलिए नेक्स्ट 90 क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है मिनिस्ट्री का नाम बताना है कि किस मिनिस्ट्री ने किया है, ये क्या किया है कि ग्रीन सेफ और सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस को यहाँ पे करने के लिए और यहाँ पे टेक्नोलॉजी को एज ए टूल यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। इस मिनिस्ट्री ने एक वेब पोर्टल बनाया है ताकि ये क्या करेगी, स्टार रेटिंग देगी कोल माइंस को। अब बताइए किसने किया है ये। 90 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है कोल मिनिस्ट्री ने, बी। 91 में इंडिया का पहला गार्बेज कैफे किस सिटी में जो है आया, शुरू किया गया था, इसका करेक्ट आंसर है इसमें डी, कोई भी नहीं था इसमें, ये कौन सा सिटी था जल्दी से आप कमेंट करके बताइए, इसका आंसर डी होगा, ये तीनों नहीं है, ठीक है। अगर आप देखेंगे टाइगर 2018 की रिपोर्ट में, इसमें सबसे ज़्यादा नहीं पूछा, यहाँ पे मैंने पूछा थर्ड हाईएस्ट जो टाइगर है वो इंडिया में किस स्टेट में पाए जाते हैं, इस समय पाए जा रहे हैं। 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, सबसे ज़्यादा अब हो गए हैं कहाँ पे, जो है तीसरी सर्वाधिक संख्या यहाँ पे पूछी है मैंने, ठीक है। तो सर्वाधिक संख्या, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए सर्वाधिक संख्या इस समय कहाँ पे है आपका, वो हो गया है MP में, ठीक। नंबर 2 पे हो गया कर्नाटक और नंबर 3 पे हो गया आपका उत्तराखंड। बाकी डिटेल जानकारी जो है मैंने ये PDF में लिखी है, पेड कॉलेज जो है पढ़ लीजिएगा जरूर। 93 का 4 यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, इनमें से आपको करेक्ट वाला बताना है, 4 ऑप्शन में से करेक्ट 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, ये 1, 2, 3, 4 चारों बिल्कुल करेक्ट है। तीसरी जो ये रिपोर्ट आई है, सॉरी रिपोर्ट आई है इनोवेशन इंडेक्स 2019, इसको नीति आयोग ने किया है यहाँ पे लॉन्च, और ये किसके साथ मिलकर किया है, इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस गुड़गांव के साथ। अगर आप देखेंगे बड़े स्टेट में कर्नाटक जो है नंबर 1 पे था और झारखंड सबसे लास्ट में था, उत्तर प्रदेश को 7वीं पोजीशन मिली थी इनोवेशन इंडेक्स में, सिक्किम पहले जो है मतलब बेस्ट परफॉर्मर था अगर आप नॉर्थ ईस्ट और हिल स्टेट की बात करें, और दिल्ली फर्स्ट था यूनियन टेरिटरीज में या फिर अर्बन स्टेट में या फिर छोटे स्टेट में। 93 का सी है, चारों स्टेटमेंट करेक्ट है। 94 इनकरेक्ट बताना है इसका, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स इसको किसने किया है, नीति आयोग ने, और जो है किस चीज़ के लिए किया गया कि कैसा परफॉर्मेंस है स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का स्कूल एजुकेशन में। इसमें 30 इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स थे और इसमें नंबर लास्ट में था अपना यूपी और सबसे ऊपर था इसमें केरला, 94 का इसीलिए आंसर है डी, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। 95 में 3 स्टेटमेंट दिए हैं, तीनों में से गलत बताना है आपको, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 का डी, तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत नहीं है, तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। छठा इंडिया का वाटर वीक, ये आपका जो है सितंबर 2019 में किया गया था विज्ञान भवन दिल्ली में, और इस इवेंट को किसने ऑर्गेनाइज़ किया था, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स ने, ठीक है, जो कि जल शक्ति मंत्रालय के अंदर में है। ये एक इंटरनेशनल प्रोग्राम है वाटर रिलेटेड मैटर का, और इसकी थीम क्या थी, वाटर कॉपरेशन कोपिंग विद 21st सेंचुरी चैलेंजेस, ठीक है। तो 95 का हो जाएगा डी। 96 में आपको 3 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं और इनमें से करेक्ट वाला बताना है, करेक्ट वाला बताना है 20वें लाइव स्टॉक सेंसस के हिसाब से, ये सब मैंने आपको पहले बता रखा है। 96 का हो जाएगा सी, ठीक है। डेटा के हिसाब से आप देखेंगे तो लाइव स्टॉक पॉपुलेशन 4.6% बढ़ी है 2012 के सेंसस के हिसाब से, ये 20वां लाइव स्टॉक सेंसस था, सबसे पहली बार यहाँ पे जो हुई है ये आपकी ऑनलाइन हुई है इसकी पूरी गणना। टॉप 5 स्टेट अगर आप टोटल लाइव स्टॉक पॉपुलेशन में देखेंगे तो यूपी अभी भी नंबर 1 पे है, ठीक है, ये इससे पता चलता है। 97 10 साल की रूरल सैनिटेशन स्ट्रेटजी जो है यहाँ पे अपनाई गई है, ये कब से कब तक है, और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 97 का, जल्दी से तो कमेंट करके, इसका आंसर हो जाएगा बी, 2019 से 29 तक, ये पहले भी आ चुका है। क्राइम रिपोर्ट आई है, इसमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे एक भी सिंगल जो है करप्शन का केस में यहाँ पे नहीं किया गया,
एक भी मामला नहीं दर्ज हुआ है भ्रष्टाचार संबंधी, ऐसा कौन सा यहाँ पे स्टेट था? 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगर ये देखेंगे भारत में अपराध 2017 की शीर्षक नाम से एक रिपोर्ट आई थी, 64वीं जो है रिपोर्ट है ये, और इसमें जो है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर 2017 तक का डेटा लिया गया है सारी चीज़ें में। इसमें पूरा सब बताया गया कि क्या जो है अपराधों की स्थिति है, और इसमें जो है कहाँ कहाँ जो है कॉग्निजेबल क्राइम किए गए, ये सारी चीज़ें। तो इसमें बताया 2016 से 2017 में कितने प्रतिशत अपराधों में वृद्धि हुई है, 3.6%। ठीक है, जो कि कॉग्निजेबल यहाँ पे क्राइम है, जो कि संज्ञेय अपराध है। और उसमें अगर आप देखेंगे तो देश में सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे रजिस्टर्ड किस स्टेट में किए गए हैं अपराध, ये किए गए हैं यूपी में, ठीक है, फिर महाराष्ट्र में, फिर मध्य प्रदेश में। ठीक है, और अगर आप देखेंगे मेट्रोपॉलिटन सिटी के हिसाब से सबसे ज़्यादा कहाँ किए गए, दिल्ली में। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पे हैं। फिर इसमें कुछ कैटेगरी बनाई गई हैं कि अगर आप हिंसक अपराध में देखेंगे तो नंबर 1 पे यूपी है, हत्या वाली चीज़ों में मर्डर वर्डर में भी नंबर 1 पे यूपी है, अपहरण में भी नंबर 1 पे यूपी है, महिलाओं के विरुद्ध अपराध में भी नंबर 1 पे यूपी है, बच्चों के विरुद्ध अपराध में भी नंबर 1 पे यूपी है, लेकिन किशोरों द्वारा किए गए अपराध में नंबर 1 पे एमपी है। ठीक है, वरिष्ठ नागरिकों के विरुद्ध अपराध में नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अपराध में नंबर 1 पे यूपी है, SC ST में जो है ST के खिलाफ जो है ज़्यादा इसमें अपराधों में नंबर 1 पे MP है, आर्थिक अपराध में नंबर 1 पे राजस्थान है, भ्रष्टाचार अपराध में नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, साइबर अपराध में नंबर 1 पे यूपी है। ठीक है, राज्य के विरुद्ध अपराध में नंबर 1 पे हरियाणा है। तो ये कुछ कुछ यहाँ पे कैटेगरी बनाई गई। पर्यावरण संबंधी अपराध में नंबर 1 पे तमिलनाडु है, मानव जो है दुर्व्यापार के में नंबर 1 पे झारखंड है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 99 में ये एक सर्वे था, स्वच्छ भारत, स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत, इसको क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने किया था, और ये इस रिपोर्ट के हिसाब से थर्ड रैंकिंग किस स्टेशन को दी गई, ये बताना है। थर्ड रैंकिंग दी गई है आपकी दुर्गापुर को, पहली किसको दी गई है आपकी जयपुर को, सेकंड आपकी जोधपुर को। ठीक है, फिर किस शहर में विश्व का पहला CNG टर्मिनल पोर्ट बनेगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 100 का डी, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा शहर होगा वो, उसको कमेंट करके बताना है। इसी के साथ अपना स्कोर भी बताना है आपको, 100 में से कितना स्कोर आया आपका। ठीक है, जो करेक्शन है मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं। ये वाला जो है टेस्ट नंबर है हमारा 4 था UPPCS 2020 में, इससे पहले 13 अप्रैल को टेस्ट हो चुका है जो कि करंट अफेयर था, और उसके बाद जो है 17 फरवरी को हुआ, सॉरी 13 फरवरी को हुआ, फिर 17 फरवरी को इन्वायरमेंट वाला हो चुका है, एंशियंट वाला हो चुका है टॉप 100 क्वेश्चन, और ये 4था था। इसको आप जरूर लगा लीजिएगा अगर आप UPPCS की तैयारी कर रहे हैं। UPPCS के लिए हमारा एक नया क्रैश कोर्स चालू हो रहा है, 5 मार्च से कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। उसमें ये दोनों नंबर हैं 8564880530, 9696066089, इन पर आप कॉल करके कंप्लीट पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का सिर्फ ग्रुप ज्वाइन करना है, वो भी है हमारा विद करंट अफेयर भी, विदाउट करंट अफेयर भी है। 2019 जो लोग दे रहे हैं उनके लिए आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी है, टेस्ट सीरीज प्रोग्राम भी है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी है और जो है फुल लेंथ टेस्ट सीरीज भी है। ठीक है, BPSC का भी नया ग्रुप चालू होने वाला है आपका 10 मार्च से, और BPSC मेंस का भी ग्रुप चल रहा है, मतलब कई सारे पीसीएस के ग्रुप चल रहे हैं हमारे, आप जानकारी ले सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट तैयारी करवाई जा रही है, उसमें कंप्लीट PDF आपको, समरी PDF सब कुछ मिल जाएगा उसी में। ऑल द बेस्ट है, जय हिंद। स्कोर जरूर बताइएगा अपना।